Welcome back, everyone. Today we will continue with class 12 geography, Indian people and economy, chapter 1, population distribution, density and comparison. जो दूसरी बुक है आपकी, पहली बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं आपकी, उसमें हम जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी और कंपैरिजन जो है वर्ल्ड से रिलेटेड जो फेनोमेना थे उसके बारे में बात किया था हमने, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन पॉपुलेशन. अब हम जो इंडिया से रिलेटेड जो आपके डाटा होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स मोटा मोटा आपके, बाकी आपको याद होगा दैट व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मींस हाउ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी एरिया, कि भी कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट है पर्टिकुलर एरिया में. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा, ये आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं ना सारे इंडिया के मैप में. तो वन डॉट रिप्रेजेंट 2 लाख पर्सन, यानी कि एक डॉट जहां पे लगा हुआ है तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2 लाख पर्सन. ठीक है, तो जहां पे जितने ज्यादा डॉट्स हैं तो आप समझ सकते हैं वहां पे कितनी ज्यादा पॉपुलेशन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, ठीक है. सो इन इंडिया स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी अनइवन. ठीक है, बहुत ज्यादा अनइवन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ना जम्मू कश्मीर और यहाँ पे कुछ राजस्थान, तो कहीं पे बहुत ज्यादा डार्क है यानी कि डॉट्स आपके पास पास है, कहीं पे जो है काफी दूर दूर है. ठीक है, और कहीं पर तो ये बिल्कुल जो है आपका बहुत इक्का दुक्का दिखाई देते हैं, और कहीं पर आपकी बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा घनी पॉपुलेशन है. ठीक है, तो इनको जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में. स्टेट विद हाई पॉपुलेशन, तो सब हाई पॉपुलेशन वाली जो स्टेट्स हैं आपकी, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन जिसकी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तो ये स्टेट टुगेदर आपके 76% ऑफ पॉपुलेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2001. ठीक है, 76% ऑफ द पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड, सॉरी टोटल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज स्टेट विद मॉडरेट पॉपुलेशन, यहाँ पे मीडियम है, इसमें असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब और गोवा. ठीक है, तो ये मीडियम पॉपुलेशन वाले आपके यहाँ पर मीडियम पॉपुलेशन पाई जाएगी. लास्ट वन इज द स्टेट स्टेट्स विद लो पॉपुलेशन, जहाँ पर लो पॉपुलेशन होगी, हिली और ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे कि आपके हिली जहाँ पे या ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली. ठीक है, तो ये एक्सक्लूडिंग दिल्ली, तो यूनियन टेरिटरीज में आपके, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके स्टेट है उसमें से असम को छोड़ के और यूनियन टेरिटरीज में आपका दिल्ली को छोड़ के बाकी सारे जो आपके नॉर्मली एरिया या जो रीजन हमने अभी डिस्कस किए वो आपके किसमें आते हैं, स्टेट विद लो पॉपुलेशन में आते हैं. सो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया आपका जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद. 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग जो था आपका 1028 मिलियन था, लेकिन अभी फिलहाल जो आपका 135 करोड़ 135 करोड़ से अबव, यानी कि उससे भी ऊपर पहुंच चुका आपका, 135 करोड़ से ऊपर आपकी जनसंख्या जा चुकी है. ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से, की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है. ठीक है, अकेले इंडिया की पॉपुलेशन. ठीक है, और ये आपके कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आपके कॉन्टिनेंट है, लेकिन उन कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा पॉपुलेशन आपके इंडिया की है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है आपका इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमने देख लिया कि आपका स्टेट्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, स्टेट वाइज हमने कैटेगरी में डिवाइड कर लिया इनको. नाउ वी विल सी दैट इंडिया हैज एन इवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड फैक्टर्स ड्यू टू सच डिस्ट्रीब्यूशन आर. तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका अनइवनली ये जो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है, तो फैक्टर्स कौन से हैं. फर्स्ट है आपका फिजिकल, तो फिजिकल फैक्टर में आपका क्लाइमेट अलोंग विद टेरेन. ठीक है, यानी कि क्लाइमेट और आपका जो धरती का जो फिजिकल फीचर्स कैसे हैं वहां पर, वो चीजें जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो आपकी लार्जली डिटरमाइन करती है कि भाई पॉपुलेशन का पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. अगर पानी ही अवेलेबल नहीं होगा तो पॉपुलेशन कैसे रहेगी वहां पे, और ज्यादा अगर पानी अवेलेबल है तो पॉपुलेशन आराम से रहेगी वहां पे. जैसे कि आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, डेल्टा है, कोस्टल प्लेन्स है, वहां पर हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के मुकाबले, क्योंकि वहां पर पानी अवेलेबल है बढ़िया. और हिमालय, ठीक है, और सम ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट जहां पर पानी की कमी पाई जाती है.
और डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन आपकी राजस्थान में हुई, ठीक है। इसके बाद जो है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज झारखंड एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। राजस्थान में इरिगेशन की डेवलपमेंट होने के बाद और जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी होनी झारखंड में मिलने के बाद और आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पेनिनसुलर जो स्टेट्स हैं आपके पठारी स्टेट्स वहां पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप होने के बाद वहां पर जो है मॉडरेट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है क्योंकि वहां पर इन चीजों की डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले कम पॉपुलेशन थी बट आफ्टर दीज इरिगेशन की मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी के मिलने के बाद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप होने के बाद यही इन स्टेट्स के अंदर आपकी पॉपुलेशन मॉडरेट से यानी कि मिडल से आपकी हाई की तरफ बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन द रीजन फॉलिंग इन द रिवर प्लेन्स एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया हैव लार्जर पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन। एग्जाम्पल आपके दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलोर पुणे अहमदाबाद चेन्नई जयपुर हैव हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में आपका जैसे कि जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होना, ठीक है, और जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसका पैटर्न चेंज होना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंडस्ट्रीज का लगना, अर्बनाइजेशन होना, अर्बन एरिया का डेवलप होना, ठीक है, और आपका जो रिवर प्लेन्स जो आपकी कोस्टल एरिया के आसपास जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है वहां पर ज्यादा प्रोपोर्शन है, ठीक है, उसके आसपास जो है इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी डेवलप हुआ, जैसे दिल्ली आपका मुंबई कोलकाता बेंगलोर पुणे ये सारे शहर ऐसे हैं जहां पर हाई कंसेंट्रेशन है पॉपुलेशन की क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, अर्बनाइजेशन हुआ है, यहाँ पर अर्बन शहरीकरण हुआ है, विकास हुआ है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर के अंदर क्या है, आपका कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या है, आपका जो कंसेंट्रेशन है पॉपुलेशन का वो हाई रहता है क्योंकि वहां पर हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में ह्यूमन सेटलमेंट या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वहां पर पहले से ही अवेलेबल था यानी कि पहले से डेवलप हो चुका था उन एरियाज के अंदर, इसलिए वहां पर वो आज भी हाई कंसेंट्रेशन के साथ पॉपुलेशन मिलती है। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आपका क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर यूनिट एरिया, मतलब कि आपके एक पर यूनिट एरिया के अंदर कोई पर यूनिट एरिया है, उस पर यूनिट यानी कि एक ये बॉक्स है, एक ये यूनिट है, इस यूनिट एरिया के अंदर आप पे कितने आदमी रहते हैं, 1, 2, 3, ये हम डिस्कस कर चुके हैं उस चैप्टर में, अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट हो तो आप उस चैप्टर को आराम से देख सकते हो, उसमें डिटेल में आपको समझाया गया, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में यानी कि एक रीजन में एक यूनिट एरिया में वो आपका मीटर का हो सकता है, किलोमीटर का हो सकता है, ठीक है। सो उसमें आपके कितने बंदे रहते हैं, तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग आपका इंडिया के अंदर 382% लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, यानी कि 382 लोग 2011 की सेंसस यानी कि ये एक किलोमीटर बाय एक किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, और इसके अंदर आपके 382 लोग रहते हैं। आई होप यू गेट इट, ओके। And over the 50 years of the population density has recorded an increase about 260% per square kilometer and as ranging from 170% square kilometer in 1951 to 382. यानी कि आपका 260% का हमने जो है 50 साल में इंक्रीज कर लिया है पर स्क्वायर किलोमीटर में एरिया। आपका 1991 में आपके कितने पाए जाते थे, 117, और 2011 में 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पाए जाते हैं आपके। तो स्पेशल पैटर्न आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी का इंडिया के अंदर वो अनइवन है वो भी, ठीक है, जो स्पेशल पैटर्न है यानी कि जो हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन था वही जो स्पेशल पैटर्न है यानी कि लोगों की डेंसिटी कहाँ पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग स्टेट एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग पाई जाएगी। तो जिसमें कि आपका स्टेट यूटी इज हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें भी हम इनको तीन कैटेगरीज में बांट देते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विच आर हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है स्टेट बिहार 1106 जो हाईएस्ट है, वेस्ट बंगाल 1028, केरला 806 और उत्तर प्रदेश 829। तो ये 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग है, इसके बाद चेंजेस आए हैं इसके अंदर, करंट डाटा आप उठा सकते हैं कहीं से भी, सेंसस ऑफ इंडिया से आप करंट डाटा ले सकते हैं, बट ये 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग था, ओके। यूटी जो यूनियन टेरिटरी आपके दिल्ली 11320 हाईएस्ट, चंडीगढ़ 9258 हाईएस्ट, ये जो ठीक है यानी कि ये 11320 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 11320 लोग रह रहे हैं। स्टेट और यूटी इज हैविंग मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जहां पर मीडियम में हरियाणा आपका 573, तमिलनाडु 555, पंजाब 551, झारखंड 414, असम 398, गोवा 394 और महाराष्ट्र 365, त्रिपुरा 350 और यूटी यूनियन टेरिटरी में आपका दादर और नगर हवेली 700, ठीक है। तो ये मीडियम पॉपुलेशन मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाले आगे। नाउ
स्टेट्स और यूटी इज हैविंग लो डेंसिटी पॉपुलेशन, जहां पर लो है, ठीक है, जैसे कि आपका स्टेट में आपका अरुणाचल प्रदेश ओनली 17, सबसे लोवेस्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सबसे लोवेस्ट, मिजोरम 52, जम्मू कश्मीर 56, सिक्किम 86, नागालैंड 119, और यूनियन टेरिटरी में अंडमान और निकोबार निकोबार आपका आईलैंड 46%, ओके लोवेस्ट है ये आपका, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में लोवेस्ट, और हाईएस्ट आपका दिल्ली, लोवेस्ट अंडमान निकोबार, स्टेट्स में आपका अरुणाचल प्रदेश लोवेस्ट और बिहार आपका हाईएस्ट, ओके. Now we will see the growth of population. Growth of population जो है आपकी refers है कि भी किसी particular region में एक जो एक area है, ठीक है, वो चाहे हम एक state की बात कर लें, चाहे district की कर लें, चाहे India country की बात कर लें, तो उस एक particular area में एक particular दो points time, यानी कि एक particular time period, 10 साल के अंदर या एक साल के अंदर या एक महीने के अंदर जो change आता है population number में, ठीक है, जो चेंजेस आ जाते हैं नंबर्स में, पॉपुलेशन के नंबर्स में, उसको कहते हैं आपका ग्रोथ. तो ये आपका दो दो तरह से हम इसको करते हैं, जो है पहला आपका नेचुरल ग्रोथ. तो नेचुरल ग्रोथ आपकी होती है, इट मीन द चेंज ऑकरिंग बाय बर्थ एंड डेथ इन एनी एरिया, यानी कि किसी एक रीजन में, यानी कि अगर हम बात करें हरियाणा की या पंजाब की, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, तो दिल्ली के अंदर कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोग मारे गए, तो उसमें से हम देखेंगे कि भाई कितना प्लस माइनस हुआ है, तो कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो वो आपकी ग्रोथ होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव हम डिस्कस कर चुके हैं आपका. नेगेटिव में मतलब लोग माइनस कम हो जाएंगे और पॉजिटिव में लोग बढ़ जाएंगे. और इंड्यूस ग्रोथ जो होती है आपकी, वो होती है इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि उस दिल्ली के अंदर कितने लोग दिल्ली के अंदर आए बाहर से माइग्रेट करके, और कितने लोग दिल्ली से बाहर गए माइग्रेट करके, तो वो दैट इज इंड्यूस्ड ग्रोथ. और एनुअल ग्रोथ जो है आपकी, ग्रोथ रेट इंडिया की पॉपुलेशन की 1.64% है आपकी 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग. और यहाँ पर जो आपको मैप दिखाया गया, इस मैप के अंदर आपको ये फिगर्स आपको जो है इंडेक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि भी लेस देन 10% जो आपकी ग्रोथ रेट, और ये अबव ग्रोथ रेट जो है आपकी परसेंटेज में शो की गई है यहाँ पे स्टेट वाइज, आप लोकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसमें. So now there are four distinct phases of growth identified within 1901 to 2011. तो यहाँ पर हमारी 1901 से लेकर 2001 के बीच में हमने तकरीबन जो है 100 साल के अंदर चार फेज में हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने को हमें मिली है, जिसमें पहला फेज जो था आपका 1901 से लेकर 1921 तक, इसको पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ इंडिया की पॉपुलेशन का कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एक ठहराव, स्टेगनेंट का मतलब है ठहराव, ठहरी हुई पॉपुलेशन थी आपकी इंडिया की पॉपुलेशन जो इन 20 साल में 1901 से 1921 तक, क्योंकि इस पीरियड के अंदर जो आपकी ग्रोथ रेट थी वो काफी लो थी, इवन रिकॉर्डिंग ए नेगेटिव ग्रोथ, इवन आपका 1911 से लेकर 1921 में, यानी कि 1911 से 1921 में हमने नेगेटिव भी ग्रोथ गई हमारी, यानी कि पॉपुलेशन कम भी हुई थी, ठीक है. इस टाइम पे आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई थे इस टाइम पे आपके, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो इंक्रीज जो होना था वो लो था, यानी कि कम हो रहा था इंक्रीज. क्यों? क्योंकि भाई पुअर हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज थी, क्योंकि हेल्थ और मेडिकल सर्विस अवेलेबल नहीं थी इतनी बढ़िया वहां उस टाइम पे, लोग अनपढ़ थे, ठीक है, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, फूड और अदर बेसिक नेसेसिटी लोगों को मिल नहीं पाती थी, इसीलिए जो आपकी लार्जली ये चीजें सारी रिस्पॉन्सिबल थी हाई बर्थ और डेथ रेट के लिए. लोग अनपढ़ थे, लोगों को पता नहीं था कि भाई खाना पीना और जो बीमारियों से कैसे बचा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए बर्थ इसको पॉपुलेशन को, ओके. सेकंड फेज था फिर आपका, सेकंड फेज के अंदर हमने देखा था आपका जो है 1921 से 1951, 30 साल का जो 1921 से 1951 तक, इसको पीरियड और स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि स्टेडी पॉपुलेशन जो आपकी ग्रोथ थोड़ा सा इसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ की शुरुआत हुई थी, ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुई थी इस टाइम पे आपकी हेल्थ और सैनिटेशन जो थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉट द डाउन द मोर्टेलिटी रेट, जो हेल्थ और सैनिटेशन की फैसिलिटीज आपकी बढ़ाई गई और इम्प्रूवमेंट हुई उसके अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो मोर्टेलिटी रेट थी यानी कि मृत्यु दर थी उसमें कमी आई. एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आपका, जिसके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जो बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें होती थी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सका आसानी से, और जो क्रूड बर्थ रेट था आपका वो हाई रहा इस टाइम पे, दिस पीरियड लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज. तो मोर्टेलिटी मृत्यु दर पे हमने थोड़ा सा काबू पा लिया, लेकिन बर्थ रेट जो था आपका क्रूड बर्थ रेट वो अभी भी हाई रहा, जो पिछला फेज हमने फेज वन डिस्कस किया था उससे, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ी सी हायर ग्रोथ हुई इसमें. और ये इंप्रेसिव था क्योंकि बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था आपका 1920s में वर्ल्ड वार टू
में आपका जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसके बावजूद हमने यहाँ पर जो है ग्रोथ की थी इस फेज में। थर्ड फेज आपका जो 1951 से 1981 के अराउंड था, इसमें जो है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है इसको, यानी कि इस टाइम पीरियड में आपका पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन से मतलब है कि बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है। रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट बट ए हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मोर्टेलिटी रेट को तो हमने बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है। जो आपका मोर्टेलिटी रेट थे उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हो गई थी, और जो आपकी फर्टिलिटी रेट थी वो बहुत ज्यादा हाई हो गई, बढ़ गई वो फर्टिलिटी रेट, यानी कि जन्म दर बढ़ गई वहां पर। और एनुअल जो आपकी ग्रोथ रेट थी वॉज एज हाई एज 2.2%। जो एनुअल ग्रोथ रेट थी आपकी 2.2% जो है उस टाइम पे थी। तो जो ये पीरियड था आपका इंडिपेंडेंस के बाद का, ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस थी, जो आपके 5 ईयर प्लान बनाए गए थे जिसमें इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए काम किए गए थे, इंप्रूवमेंट जो की गई थी लिविंग कंडीशन में, जो लोगों की पॉपुलेशन की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं फूड शेल्टर होम वगैरह, खाना वगैरह, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। जो इंटरनेशनल इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन, इस टाइम पे आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन भी, यानी कि बाहर से लोग भी आए थे, जो कि आपके तिब्बत से बांग्लादेशी नेपाली और पाकिस्तानी, वो भी इंडिया के अंदर इस टाइम पे आए थे, जिसकी वजह से भी आपका ये ग्रोथ रेट हाई गया था। ओके, नाउ फेज फोर है आपका। फेज फोर के अंदर क्या हुआ था, 1981 टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन थो रिमेंड हाई एंड स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेडली। इसके अंदर क्या हुआ था, 1981 से आपका जो ग्रोथ रेट था कंट्री का वो काफी हाई रहा था उस टाइम पे, और इसके बाद से फिर उन्होंने क्या किया था, थोड़ा थोड़ा स्लोइंग डाउन, ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ए डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ फूड बर्थ रेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस इज वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाई एन इंक्रीज इन द मीन एज एट ए मैरिज, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री। यानी कि जो है आपका बर्थ जो क्रूड रेट था, क्रूड बर्थ रेट जन्म दर था, उसको थोड़ा सा हमने काबू किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने कंट्रोल किया, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है स्टेबल रखने में थोड़ा सा कामयाबी हमें उस टाइम पे मिली थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमने क्या किया था, जो आपकी शादी की उम्र थी, मैरिज की एज थी, उसको हमने बढ़ा के 18 साल कर दिया, 18 और 21 साल कर दिया हमने उस टाइम पे, ठीक है। जो हमने रेगुलेशन रूल रेगुलेशन लेके आए, हम जो है क्वालिटी लाइफ को जो हमने इम्प्रूव किया, एजुकेशन जो है फीमेल्स को पर्टिकुलरली जो हमने ज्यादा एडुकेट करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, इसकी वजह से जो आपकी फेज फोर के अंदर हमारी पॉपुलेशन के अंदर हमें थोड़ा सा काबू मिला। नाउ रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, आपकी चार फेज में हमने पॉपुलेशन देख ली, नाउ हम रीजनल वेरिएशंस भी देखते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रीजनल वेरिएशंस क्या क्या है। हमने जो अभी डिस्कस किया था जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था उसमें चार फेज देखे, अब रीजन के अकॉर्डिंग आपकी वेरिएशन, जैसे आपकी डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में थी वैसे ही ग्रोथ में आपकी एरिया के वाइज इसमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ भी आपकी अनइवन है स्टेट वाइज, तो ये आपकी जीरो जो -0.58 नेगेटिव से लेकर नागालैंड के अंदर, और 55.88% है दादर और नगर हवेली के अंदर, यानी कि कितनी माइनस में नेगेटिव पहुंच गई है और पॉजिटिव में कितना है आपका, ये आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ वी विल क्लासिफाई दीज पॉपुलेशन ग्रोथ इन थ्री कैटेगरीज ऑफ इंडिया, स्टेट हैविंग विद हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जहां पर हाई ग्रोथ रेट जो है आपकी पॉपुलेशन की है, मेघालय आपकी परसेंटेज आप देख सकते हैं 28, नियर अबाउट 28, अरुणाचल प्रदेश 26, बिहार 25, मणिपुर 24, जम्मू कश्मीर 23, ठीक है, नियर अबाउट 24, ठीक है। तो ये आपकी हाई रेट, और इसमें आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं जो हाई ग्रोथ रेट वाली हैं, दादर नगर हवेली 55.8, दमन दीव 53.76, पुदुचेरी आपका 28.808%। नाउ विद मॉडरेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेट एंड यूटी, छत्तीसगढ़ 22, झारखंड 22, राजस्थान 21, मध्य प्रदेश 20, उत्तर प्रदेश 20, ठीक है। स्टेट हैविंग विद लो स्टेट और यूटीज जो आपकी लो ग्रोथ रेट वाली हैं आपकी, इसके अंदर नागालैंड -0.58% लोवेस्ट है आपकी, केरला जो है आपकी 4.91%, गोवा 8%, आंध्र प्रदेश नियर अबाउट 11%, और यूनियन टेरिटरीज जो लोवेस्ट में आपके लक्षद्वीप 6, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 6.86। ओके, तो ये आपकी ग्रोथ रेट हमने इसमें डिस्कस कर ली। नाउ देयर इज अ ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन। सो एडोलसेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन कंसीडर पर्सन एज 10 टू 19 इयर्स एज एडोलसेंट पॉपुलेशन, ठीक
ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, जो 10 से 19 साल के जो बीच में जो भी पॉपुलेशन होगी उसको अडोलसेंट के नाम से उन्होंने संबोधित किया है और बताया कि भाई अडोलसेंट पॉपुलेशन आपकी वो होती है। और 1971 से जो है आपका अडोलसेंट पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है वो अराउंड 21% रहा है इसका प्रपोर्शन, ठीक है। और जो डिकेडल ग्रोथ है आपके अडोलसेंट पॉपुलेशन की इंडिया के अंदर 12.5% है एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग जो है एडोलसेंट पॉपुलेशन का जो डेकेडल ग्रोथ रेट वो 12.5% है। इंडिया जो है आपका फोर्थ प्लेस पे है एडोलसेंट पॉपुलेशन, यानी कि 10 से 19 साल के बीच में यहाँ पर इंडिया के अंदर हम चौथे नंबर पे हैं वर्ल्ड के अंदर, आफ्टर पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। पहले पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया और बांग्लादेश के बाद, ठीक है। एडोलसेंट पॉपुलेशन है जो आपकी वो इंक्रीज हुआ 85 मिलियन इन 1961 टू 253.2 बिलियन इन 2011। तो आपकी 1961 से और 2011 के बीच आप देख सकते हैं कि 85 मिलियन से 253.2 बिलियन जो आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर गई है एडोलसेंट पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो जो है आपका एडोलसेंट पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर वो है 898 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। यानी कि जो 10 से 19 साल के बीच के जो एडोलसेंट पॉपुलेशन उसमें 1000 मेल पे 898 फीमेल्स आपकी है। सो नाउ देर आर सम चैलेंजेस, यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता है एडोलसेंट पॉपुलेशन को। लाइक दीज चैलेंजेस आर लोअर एज एट मैरिज, इनको जल्दी उम्र में जो है शादी किया जाना, इनका लिटरेसी अनपढ़ता, जो पर्टिकुलरली आपकी फीमेल इलिटरेसी, इनकी जो फीमेल्स को कम पढ़ाया जाना, उनको अनपढ़ होना, उनका स्कूल से ड्रॉप आउट करना, स्कूल से जल्दी एक कुछ साल तक पढ़े और निकल जाना, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का जो खाने में जो है बढ़िया प्रॉपर फूड नहीं मिलना, और जो है हाई रेट ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट मदर्स, जो इस एडोलसेंट इस एज में जो गर्भवती हो जाते हैं महिलाएं उनकी मृत्यु होना, ठीक है। और हाई रेट्स ऑफ HIV/AIDS इन्फेक्शन, जो HIV/AIDS बीमारी है आपकी उसका इन्फेक्शन होना, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी ऑफ रिटार्डनेस, जो आपकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी होना या मेंटल डिसेबिलिटी होना, ठीक है, वो चीजें, ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, जो नशे पत्ते का शिकार होना, ठीक है, और आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम्स, दिस एज में जो उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाए तो वो गलत रास्ते पे चल के क्राइम क्राइम के रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ पॉलिसीज लेके आए हैं, वो नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 के अंदर लेके आए, और कुछ ऐसी और भी कई पॉलिसीज जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई, जिसका मेन पर्पज था कि जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, चैनलाइजेशन किया जाए आपकी एडोलसेंट जो 10 से 19 साल की जो पॉपुलेशन है उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उनको प्रॉपर रास्ता गाइड किया जाए, उनको बताया जाए कि भी क्या सही है क्या गलत है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, अलग अलग फील्ड में उनको मौके प्रोवाइड करवाए जाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन। तो हमने आज तीन चीजें पढ़ी हैं आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।